उज्जैन पुलिस और साइबर पुलिस टीम ने शातिर जालसाज को गिरफ्तार किया है। केरल से जालसाज ने 1,60,00,000 की धोखाधड़ी की थी। शहर के लोगों ने इसकी शिकायत पुलिस को की थी। इस शातिर जालसाज को गिरफ्तार करने के लिए उज्जैन पुलिस ने टीम तैयार की और इसको केरल से गिरफ्तार करके उज्जैन लाया गया है, जहां पर पुलिस इस शातिर बदमाश से पूछताछ कर रही है। इसके रिकॉर्ड पुलिस के द्वारा निकाले जा रहे हैं। अभी तक पूछताछ में 1,60,00,000 की जालसाजी इस युवक ने अलग अलग तरीके से लोगों से की है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हमारे यहाँ 22 जून को फरियादी ने शिकायत की थी कि मैंने एक फ्रूट मर्चेंट से सौदा किया था, तो उसने मेरे से धीरे धीरे करके 1,13,000 रुपये जमा करवा लिए हैं और फ्रूट की गाड़ी नहीं भेजी है, इस तरह उसके साथ ठगी हुई है। तो जब उससे पता किया तो उसने फेसबुक पर एक नंबर डाला हुआ था फ्रूट मर्चेंट का, तो उसी पर बात करके और पूरा सौदा किया था। जब उसकी हमने जांच की तो जांच उपरांत हमने जुलाई में इसकी FIR दर्ज की और कल पूरी विवेचना के उपरांत आरोपी मोहम्मद अजहर पिता मोइनुद्दीन सौदागर निवासी बेलगम कर्नाटक से उसको पुलिस कस्टडी में लेकर आज गिरफ्तार किया है। अभी तक आरोपी करीबन 12-15 लोगों से करीबन 1,60,00,000 की ठगी कर चुका है। नहीं, उसके लिए अभी पुलिस रिमांड लिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।